मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो लोग दातुन नहीं कर सकते उनके लिए एक दूसरी बात, और इसके पहले एक छोटी सी बात और। एक बार मैंने हिसाब लगाया, पूरे देश में परदेशी कंपनियों का जितना टूथपेस्ट बिकता है और टूथब्रश करीब 450 करोड़ रुपए का है, और ये 450 करोड़ रुपया हम दे देते हैं परदेशी कंपनियों को। अगर इतने रुपए का नीम का दातुन बिके या बबूल का दातुन बिके तो जानते हैं क्या होगा? कम से कम 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जाइए कभी बंबई में, हर स्टेशन के बाहर नीम का दातुन बबूल का दातुन बिकता, लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं बहुत ही गरीब हैं, सवेरे से शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग हैं खरीदते हैं। कि अगर सब लोग उनका दातुन खरीदें तो पैसा उस गरीब के पास जाएगा और वो उस गरीब के माध्यम से किसान के पास पहुंचेगा। तो अगर ये व्यवस्था बने तो 4 लाख किसानों को हम रोजगार दे सकते हैं, माने 4 लाख किसान हिंदुस्तान में सिर्फ नीम का पेड़ लगाकर ही रोजगार पा सकते हैं। ये व्यवस्था हम चला सकते हैं। और जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो उंगली से मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, सबसे बढ़िया दंत मंजन नमक मीठू, वो आपके सबके घर में है। दंत मंजन क्यों करें? क्योंकि ये जो उंगली होती है दाहिने हाथ की पहली उंगली, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेरिडियन पॉइंट है। तो जितनी देर आप उंगली से दांत साफ करते हैं, दांतों की सफाई होती है, मसूड़ों की मालिश होती है, उससे भी बड़ा काम होता है आपकी बड़ी आंत की पूरी सफाई होती है, आपको मालूम नहीं है। इसलिए हजारों साल से इस देश में उंगली से दांत साफ करने की परंपरा है। बहुत वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। तो या तो उंगली से दांत साफ करिए या करिए दातुन, दोनों बेस्ट क्वालिटी है। हिंदुस्तान का सैकड़ों करोड़ रुपया बचेगा, 4 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते।